हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ युवराज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। वेलकम टू अनदर व्लॉग। और ये सेम डे जिस दिन मैंने जेन का वीडियो शूट करा था, अभी जस्ट मैंने जेन का वीडियो रिकॉर्डिंग ख़त्म करी है। और आज मुझे मेन जो था, आज का एजेंडा था, वो है एक्टिवा में काम करवाना है। काफ़ी मेरी इग्नोर्ड चल रही है और सर्विस सेंटर ले जाना है इसको। तो ये जो मडगार्ड है ये हिल रहा है इसका, एंड आग काफ़ी वाइब्रेशन हो रही है, शॉकअप ठीक से काम नहीं कर रहा है, हैंडल वगैरह हिल रहा है। तो ये सारे एक्टिवा में काम करवाने। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आपको थोड़ा सा एक्टिवा के बारे में बता देता हूँ। तो ये मेरी 6 साल पुरानी एक्टिवा 3 2016 मॉडल, और मॉडिफिकेशन करे में जो कि सारे आपको चैनल पर वीडियोज़ मिल जाएंगे। 38,000 कुल चल चुकी है। तो आज तक मैंने जो है इसमें सिर्फ सर्विसिंग करवाई है, काम इसमें बहुत कम करा। जो टूट फूट होती रहती है वो तो होती रहती है, लेकिन अभी जो है मेजर काम है, ब्रेकिंग वगैरह नहीं चल रही, जो कि सारे में सर्विस सेंटर। एक्टिवा जो है कितनी आवाज़ कर रही है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये आवाज़ दी है। ये देखो, होंडा के सर्विस सेंटर आ चुका, जो मेरे घर के पास वाला होंडा सर्विस सेंटर है। और सूरज भैया हमारे साथ में, सूरज भैया ने हमको परमिशन दी है यहाँ पे शूट करने के लिए। अभी जो मेन सर्विस तो मेरी गाड़ी की हो चुकी है, एक बार आप इसको चला के देखो आगे से हुआ क्या, कि थोड़ी सी आवाज़ आना चालू हुई थी, मैंने उसको छोड़ा कि चलो चला लेंगे। तो मडगार्ड भी टूट गया है इसका, और शॉकअप वॉकअप भी नहीं चल रहे हैं इसके। सदगुरु होंडा है, और उधर ये एरिया है, और अपना रोड पार उधर घर है गोमती नगर में। सो ये इंदौर रोड है, और इंदौर रोड पर अपन को जो है सर्विस सेंटर यहाँ पर मिल जाएगा। ये जब उसकी क्या प्रॉब्लम आ रही है आपकी गाड़ी? हाँ, सबसे पहले तो मेरे को समझ में आया कि ये जो टायर है ना, ये आगे पीछे हिल रहा है ये। ओके, आगे खींचो उसको टायर को, इसमें पूरी आगे मूवमेंट है। फेंडर अगला, फेंडर गया हुआ है, और यहाँ से भी जो मेरी गाड़ी का हैंडल है ना, वो आगे पीछे हिल रहा है। बाकी सर्विसिंग हुई भी है मेरे को, जिसकी सर्विसिंग का टाइम आएगा जनवरी में, मेजर सर्विस फिल्टर चेंज हुई तो वो बाद में कराना। एस्टीमेट बता देता हूँ। ओके, क्या काम? आप एस्टीमेट बता दीजिए। और क्या हैंडल जो है इसका, वो ऑनसेट वगैरह जो है फुल के शेक होंगे, अगर वो चेंज करने जैसी कंडीशन में रहे तो अपने को चेंज करना पड़ेगा जी। और इसका जो फेंडर है वो वेल्डिंग करवाना पड़ेगा, टूट गया है यहाँ पे। ये मेरी, मैंने सुधरा ही नहीं उस कारण टूटा है कि टूटने का नहीं, ये कई बार क्या होता है कि रस्ट लगने के कारण, जैसे जंग लगा हुआ है यहाँ पे, तो उसके कारण से क्या होता है कि कमज़ोर हो जाता है। अच्छा, जिसके कारण ये टूट गया, तब से फिर काम में का थोड़ा समय लेना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको गाड़ी छोड़नी पड़ती है। ओके, जैसे ऐसे कोई काम निकलते हैं थोड़े लंबे वाले, पहले अपने को गाड़ी शोरूम पर रखनी पड़ती है। ठीक, 2-3 घंटे के लिए कस्टमर रहते हैं, वो सारे जैसे ये गाड़ी आपके सामने खड़ी हुई है, कस्टमर छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा, गाड़ी कम्प्लीट होने पर अपन उसको कॉल कर लेते हैं कस्टमर को, जी सर आपकी गाड़ी कम्प्लीट हो गई, जो भी पोस्ट बनता है अपन बिल बता देते हैं फोन पे। फिर भी मेरा टारगेट था कि मैं सुबह जल्दी आ जाऊँ, फिर 10:30 बजे की आते हैं। मॉर्निंग में क्या रश पड़ जाता है, और अभी काफ़ी 2-3 दिन की छुट्टियाँ भी हो गई है, तो उसके कारण से एकदम वर्कलोड आया है। तो गाड़ियाँ आएगी? हाँ, गाड़ियाँ हैं, अभी थोड़ा समय लगेगा। आप मुझे जॉब कार्ड बना दीजिए, मैं छोड़ जाता हूँ उसको। ठीक, ओके। मेरे को मेन हैंडल करवाना, बाकी इसकी ब्रेक वेक भी कुछ भी नहीं लग रहे नी के बराबर, तो वो ब्रेक मैं नेक्स्ट टाइम कराऊंगा जब सर्विस पे छोड़ के जाऊँगा। एस्टिमेशन अपना जा रहा है कहाँ तक? 750-800 के समथिंग का है जो हैंडल का काम आपने बोला, बाकी ये काम आप बाद में करवाएंगे। हाँ, मेन तो हैंडल ही करवाना है आज, बस हैंडल। एक्टिवा को अभी मैंने छोड़ दी है, कुछ एस्टिमेशन साढ़े कौन साइड उसका गया हुआ है, शॉकअप के बुशिंग्स में दिक्कत है, तो कुछ 750-1500 तक काम जाएगा, जो कि मुझे करवाना था। बहुत ज़्यादा मतलब चलाने में बिल्कुल मज़े नहीं आ रहे थे। बाकी ब्रेकिंग वगैरह काम अगली बार करेंगे, तो अभी घर पहुँच के बात करते हैं, बाहर शूट कर पाऊँगा। तो अभी मैं जो माइक था मेरा वो एक्टिवा में भूल गया, और एक चीज़ और बता दी थी भैया, अपना जो मास्क है वो मैंने जिप टाई से बांध रखे हैं सारी, ये मास्क इसके। तो मास्क खुलेगा क्या इसका? हाँ, मास्क खोलना पड़ेगा। तो आप एक काम हो सकता है कि मास्क इसका, और उसमें LED भी लगी हुई है अंदर, और ये भी लगा रखा है मैंने हाइड्रोलिक, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी तो कुछ नहीं, इन सब चीज़ों से अपने को कोई छोड़ दो, उसकी डिक्के चिल्लर हो रही है फिर रखे हुए। अगर आपको काम की कुछ चीज़ें वो निकाल लो, मेरे को माइक आपका वैसे ही रहेगा। माइक काम का है, तो ये जो अपना माइक है
माइक मैंने ले लिया है और जो कार एक्टिवा के मास्क वगैरह थे उसके बारे में बताते कि भैया मास्क खुले तो आप मेरे को मास्क ऐसे किसी दे देना। अब चलते फाइनली घर। सो आई फाइनली घर पहुंच चुका हूँ। एक्टिवा इस बार होंडा के सर्विस सेंटर पे दिए, क्योंकि मुझे याद है अगर आपने सर्विसिंग वाला वीडियो नहीं देखा तो उसके लास्ट में मैंने बोला था कि नेक्स्ट टाइम अगली बार मैं सर्विस सेंटर पे काम करा के देखूंगा। तो सर्विसिंग में तो अभी दिसंबर जनवरी में सर्विसिंग कराऊंगा, तो ये जो कोन सेट वाला आगे हैंडल हिल रहा है या वाइब्रेशन वाली जो चीज़ है ये सर्विस सेंटर पर करा के देखते हैं। मुझे पता है कि खर्चा ज़्यादा आने वाला है, क्योंकि मैंने बाहर पूछा था कि कितने तक हो सकता है, तो 200-300 रुपए जो लोकल मैकेनिक है वो बता रहे थे। लेकिन अगर पार्ट्स की बात आती है तो मैं जेन्युइन पार्ट्स और जो जेन्युइन काम होता है उसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, भले ही ज़्यादा पैसे लग जाए। तो उन्होंने अभी 1-2 घंटे का समय दिया है कि 1-2 घंटे में हो जाएगा काम, और अभी 11 बजने वाली है, यानी कि 1 या 2 के बीच में उनको कॉल आना चाहिए, उनके लंच से पहले मेरी एक्टिवा हो जाए। एंड जेन का वीडियो अब मैं एडिट करने बैठूंगा और आज ही वो रिलीज़ होगा जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, और ये वाला जो वीडियो है उस जेन के वीडियो के बाद आएगा। सो यस, इट इज़ व्हाट इट इज़। एंड एक अपडेट और देना था कि अपना जो कोर्स होता है ट्रेनर का, ट्रेनर्स का, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था, वो कैसा चल रहा है। तो भाई बहुत सारी चीज़ें रहती है, ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन वेस्कुलर सिस्टम पूरा स्टडी करना पड़ता है, कितने मसल्स हैं। तो यस, जो भी सोचता है कि ट्रेनर का जो सर्टिफिकेशन रहता है वो ऐसे ही मिल जाता है या पढ़ना नहीं पड़ता, मेहनत नहीं पड़ता, मेहनत करनी पड़ती है, बस अपना जो एक अपने खुद की इच्छा होनी चाहिए, करना है कि नहीं करना है। अगर इच्छा है तो सब कुछ अच्छा लगता है, अगर अच्छा लगता है तो फिर वो ज़्यादा मुश्किल वाली बात आती नहीं है, क्योंकि हम सोचते नहीं ना कितना मुश्किल है, अपने सोच सोच के उसको इतना मुश्किल कर लेते कि अपन से हो ही नहीं पाता है। तो जैसा सोचोगे वैसा होगा। एंड मेरी इच्छा है कि इस चैनल पे थोड़ा फिटनेस से रिलेटेड भी मुझे वीडियोस बनाने हैं, तो मैं वो बनाऊंगा, और बस आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। अगर आप सपोर्ट करोगे तो फिर देखते हैं कहाँ जाते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इस चीज़ से परेशान था। प्लानिंग कि प्लानिंग होना चाहिए, अब मेरे को ये रियलाइज़ हो गया है। थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन ये रियलाइज़ करना कि हैविंग अ नो प्लान इज़ बेस्ट। जो कर रहे हो करो, बिना मतलब प्लानिंग थोड़ी सी करनी पड़ती है, लेकिन हाँ इतना ज़्यादा मत सोचो। सो लेट्स सी, नहीं पता है, जो अच्छा लगेगा वो करेंगे, हैविंग ए नो प्लान इज़ बेस्ट। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ, खाना वाना खा लेता हूँ, एडिटिंग कर लेता हूँ, एक्टिवा जब लेने जाएंगे उनको कॉल आएगा तब मैं आपको अपडेट देता हूँ कि एक्टिवा में क्या काम हुआ, कितने का हुआ है। भी तो हो गया 6 साल, बीसी भी होते मैंने उसको। ये देखो कहाँ से क्या चला, वो हैंडल के सारे तभी तो मेरा हैंडल था टाइट चल रहा था, कटोरी टूटी हुई है, टूट भी गई ना। अभी तो और निकलेगा सामान, उसमें जंग खाया हुआ उसके तो ये चीज़ रहती है ना, ये भी पूरी जंग खाई हुई है। विशाल भैया, तो आपने काम करा था अपनी एक्टिवा की, तो विशाल भैया ने एक्टिवा करी और अभी शाम की 6 बज की सुबह अपन डाल के गए, तो मुझे पता है गाड़ी में बहुत सारा काम है, तो आज क्या हुआ वो देखते हैं और क्या क्या होने वाला है वो भैया भी बताएंगे। आज का क्या हो गया इसमें? इसमें भैया अपन ने छर्रे कटोरी डाले हैंडल के, छर्रे कटोरी यहाँ पे, हाँ हैंडल पे डाले हुए हैं, यहाँ पे कटोरी लगती है, नीचे लगती है, ठीक है, दो जगह कटोरी और छर्रे पे चलता है, ठीक है। उसके बाद में इसमें काम बहुत सारा है, अगले व्हील बेरिंग है, हाँ पूछ पीन है इसके, उसके बाद में ब्रेक केबलों में तीनों जाम, हाँ ये ब्रेक बिल्कुल नहीं लगते, उसमें कॉम्बी ब्रेकिंग भी बंद है, जाम हो रही केबल, और उसके बाद में अंदर का क्लच फिल्टर धुलने से जो भी लगे, हाँ तो एक साथ काम करवाओगे सारा अच्छी हो जाएगी। तो मेरे को ब्रेक करवाना है, मेरे आगे के शॉकअप करवाने हैं, दच के उसके कारण लग रहे हैं, हाँ, उसी के कारण लग रहा है, उसी के कारण लग रहे हैं। और जब मैं इसको आइडल पे खड़ी करता हूँ ना तो यहाँ से ऐसी आवाज आती है, ये से भी आवाज़ कि कुछ घिस रहा है, हाँ उसको भी देख लेंगे अपन सर्विस में, क्योंकि अभी आप जो काम लिखवा के गए वो हो गया है, मतलब दच वो बजेगी नहीं ना गाड़ी आगे। और मेरा ये मडगार्ड टूटा था, उसमें क्या हुआ? मडगार्ड तो वेल्डिंग करवाना पड़ेगा आपको, अभी टूटा है क्या? ऊपर से लगा हुआ है वो, अच्छा टूटा हुआ है यहाँ से, ये दिख रहा है, तो ये अपने सर्विस सेंटर पे होगा कि बाहर सेंटर पे नहीं होगा, नहीं आबादी देखिए आप, हाँ हाँ बस वहाँ चले जाना, हाँ जाकिर भाई करके है वेल्डिंग वाले, उसको वहाँ वेल्डिंग करवा, भैया एक काम करो ना यार, उसको क्लेम कर, क्लेम में ले लो ना यार, क्लेम में थोड़ी वेल्डिंग हो जाए, तो देखो सड़ भी तो रहा है, जंग वंग लग रहा है इसमें, उसके लिए फिर अपने मेन शोरूम जाना पड़ेगा क्लेम के लिए, क्लेम के लिए मेन शोरूम जाना पड़ेगा,
और अप्रोक्स कितना बैठ जाएगा अगर मैं ब्रेक मेन करवाने हैं और जो क्लच में मज़े नहीं आ रहा है इसको चलाने में, वो आवाज़ कर रहा है कितना? 2-3 हज़ार? हाँ, 3-1 हज़ार रुपये। 3-1 हज़ार बजट बना के चलूँ? हाँ, क्योंकि केबल भी आ जाएगी इसमें और अपना क्लच सूट का फिल्टर जो भी है वो सब हो गया। ठीक है भैया, चलो। तो अगर कोई यहाँ पे आता तो विशाल भैया से ज़रूर मिलना, बहुत अच्छा काम कर रहा है और मैं भी वो चला के देखता हूँ उसको। और बाकी के जो काम है, ब्रेक करवाना है, एक्सीलेटर केबल करवाना है, वही ऐसे अपन अगली बार करवा। कुछ भी नहीं है, शॉकअप इसके बदलने की ज़रूरत है क्या? शॉकअप जैसे मेरे को कमेंट वमेंट आती है कि शॉकअप कब बदलना चाहिए, कैसे पता लगता है? शॉकअप तो जब ख़त्म हो जाता है गाड़ी में, आगे से आवाज़ आती है, आवाज़ आती है मुश्किल होने के बाद। पीछे के शॉकअप, पीछे का तो बहुत कम जाता है, बहुत कम जाता है, तो अभी हाल फिलहाल तो ऐसा है कि मेरी एक्टिवा का जो हैंडल जो वाइब्रेट हो रहा था, जो छर्रे कटोरी देखे अपने उनको बोलते हैं, तो वो मैंने सही करवा ली, जिसमें 750 अपना बिल बना। उसके अलावा बहुत सारा काम था जिसके लिए मैंने मना कर दिया था। काम भैया ने बढ़िया करा था सर्विस सेंटर पर जो है। और ये जो मेरा मडगार्ड है, ये मैं बाहर वेल्ड करवाऊँगा। अपना ब्रेक यहाँ से टूटा हुआ है तो वो भी अपन अगली बार करवाएंगे। तो आज का दिन और आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके दोहराना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग एंड कीप स्माइलिंग। ये रहा अपना बिल, टोटल 750 रुपये मैंने पे करे हैं। और उन्होंने जोड़े हैं यहाँ पे किट्रेस स्टीयरिंग, कॉलर आर्म पिवट, ओपनिंग एंड फिटिंग। ओपनिंग एंड फिटिंग लेबर लिया उन्होंने 212 रुपये। बाकी जो कॉलर आर्म पिवट रहता है जिसपे वो छर्रे चलते हैं, वो 57 का है। और जो किट्रेस स्टीयरिंग, जो पूरा किट आता है स्टीयरिंग का, वो आया 349।